नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M33 5G versus Xiaomi Redmi Note 11 SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M33 5G में 6.51 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy M33 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M33 5G में 3.03 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy M33 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M33 5G में 0.37 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M33 5G में 215 ग्राम्स जबकि Redmi Note 11 SE में 178.8 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M33 5G में TFT जबकि Redmi Note 11 SE में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M33 5G में 6.6 इंचेस जबकि Redmi Note 11 SE में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M33 5G में 1080x2408 और Redmi Note 11 SE में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M33 5G में 82.68% जबकि Redmi Note 11 SE में 83.48% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M33 5G में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M33 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11 SE की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M33 5G में Mali G68 जबकि Redmi Note 11 SE में Mali G76 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M33 5G में Samsung Exynos 1280 और Redmi Note 11 SE में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M33 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 11 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M33 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi Note 11 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M33 5G में अप टू 1TB जबकि Redmi Note 11 SE में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy M33 5G में Android V12 जबकि Redmi Note 11 SE में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M33 5G में 6000 mAh जबकि Redmi Note 11 SE में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो गैलेक्सी M33 5G में दो कलर्स जबकि Redmi Note 11 SE में चार कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी M33 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Redmi Note 11 SE की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M33 5G में सात फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 SE की तो उसमें 6 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11 SE आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11 SE आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी M33 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y72 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A33 5G है, तीसरा Tecno Spark 8P है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G22 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।